केंद्र सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा दिवस के रूप में मना रही है। ये बातें जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुंडू के मानसरोवर होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं और मंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में कही। साथ ही अर्जुन मुंडा ने कहा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था और पूरे देश की जनता ने स्पष्ट जनादेश देकर भाजपा को सत्ता पर बैठाया। 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी इसे सेवा दिवस के रूप में मना रही है। कई गांवों में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। गांवों में किट का भी वितरण किया जा रहा है। कहीं सैनिटाइजर, मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है तो कहीं चावल, दाल और अन्य सामग्रियों का। बाद में स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए यास चक्रवात में ध्वस्त हराडी बुढ़ाडी पुल के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पुल निर्माण करने वाले संवेदक इंजीनियर से सवाल करे कि पुल का डिजाइन किसने किया, किसके पास किया, यह सब देखने और जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इधर कोरोना वायरस को लेकर वैक्सीन मामले में राज्य और केंद्र सरकार के बीच चल रही रणनीति थमने का नाम नहीं ले रही। इस मामले को लेकर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह वैश्विक महामारी में इसमें हर आदमी का योगदान होना चाहिए। हम भी सब लगे हुए हैं और सांसदों की जो भी राशि है वो पीएम केयर फंड के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया गया है। पीएम केयर्स फंड से जिला स्तरीय सदर अस्पतालों में आधारभूत संरचना एवं वेंटिलेटर व्यवस्था करने के लिए दी गई है। इस राशि का बेहतर उपयोग कैसे हो इसके लिए राज्य सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ऐसा है, यह वैश्विक महामारी है, इसमें हर आदमी का योगदान होना चाहिए, हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। हम सब भी लगे हुए हैं। सांसदों की भूमिका अभी आप देख रहे हैं। सांसदों की जो राशि है वो पीएम केयर फंड के माध्यम हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं और उससे आधारभूत संरचना खड़ी करने के लिए राज्य सरकारों को राशि दी जा रही है। उसका बेहतर उपयोग करने के लिए निश्चित रूप से राज्य सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए। क्षेत्र में एक इस तरह का अंधविश्वास फैलाने की कोशिश जो पिछले दिनों में हुई थी, जिसके वजह से बहुत सारे गांव में लोग इस बात को लेकर के कि वैक्सीन लेने से शायद प्रतिकूल असर पड़ेगा, मृत्यु हो गए, ऐसे भ्रांति पैदा करने का कोशिश किसने किया। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बना कि हमारे साइंटिस्ट इसके विरुद्ध में वैक्सीन तैयार करें। कोवैक्सीन जो भारतीय देशज साइंटिस्टों ने बनाया, पूरे वैश्विक तरीके से सहयोग लेकर कोविशील्ड आया, उसका ट्रायल हुआ, उसका उत्पादन हुआ। उस समय लोगों ने कई तरह का आलोचना करते हुए ये कहने की कोशिश की कि इसमें ट्रायल नहीं हुआ, थर्ड ट्रायल नहीं हुआ, इसमें लोगों की ऐसी होगी वैसे होगी। देखिए, इसमें तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें संवेदक जो थे, डिजाइन जिसने किया है, काम की गुणवत्ता कैसी थी, किसने पास किया है, इन सारी चीज़ों को तो राज्य सरकार को देखना चाहिए। मैं इसमें बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा, मैं तो इतना ही कहूँगा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों में गुणवत्ता को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है उसको दूर करें और